हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो। और इस वीडियो में ना हम हरियाणा की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको करेंगे। और इन योजनाओं में से ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इन योजनाओं को छोड़ना नहीं है। और इस वीडियो को ना पूरी को देखना है। और ये आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा लें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में है हरियाणा की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वे। तो आज की हमारी पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये योजना जनवरी 2015 को लागू की गई थी। और इसमें ना जो हमारे हरियाणा का लिंग अनुपात था उसको सुधारने के लिए ये योजना चलाई गई थी, लिंग अनुपात को सुधारने के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई और ये पानीपत जिले से लागू की गई थी। हमारी दूसरी योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी। तो ये योजना 8 जनवरी 2015 को लागू की गई। और इस योजना में ना जो अनुसूचित जाति और जो बीपीएल परिवार की जो पहली बेटी के जन्म पर ना उनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। जो अनुसूचित जाति और जो बीपीएल परिवार की पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना में। और ये योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी। और ये योजना 8 मार्च 2015 को लागू की गई थी। हमारी अगली योजना है बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम। तो ये योजना 4 अगस्त 2015 को लागू की गई थी। और ये है बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम। और इस योजना में ना स्वतंत्रता के दिवस पर बेटियों के द्वारा ध्वजारोहण कराया गया था। स्वतंत्रता के दिवस पर बेटियों के द्वारा ध्वजारोहण कराया गया था। और अगली योजना है हमारी थारी पेंशन थारे पास। तो ये योजना 4 अगस्त 2015 को लागू की गई थी। और इस योजना के तहत ना जो भी पेंशन जो वृद्धवा वृद्ध पेंशन है या जो कोई विधवा पेंशन है उन सभी की पेंशन बैंकों के द्वारा दी जाएगी। अब उन सभी की पेंशन बैंकों में आएगी। तो थारी पेंशन थारे पास ये योजना 4 अगस्त 2015 को लागू की गई। और इस योजना में सभी की जो पेंशन है वो बैंकों में आएगी। और अगली योजना है स्वाधार गृह योजना। तो ये जो स्वाधार गृह योजना है ये 18 अक्टूबर 2015 को लागू की गई थी। और इस योजना में ना जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाला एक स्वाधार गृह खोला जाएगा। प्रत्येक जिले में और 30 महिलाओं की क्षमता वाला स्वाधार गृह खोला जाएगा जिसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं वो वहां पर जाकर रह सकेंगी। अगली योजना है हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है ये इसकी घोषणा भी 10 अप्रैल 2016 को की गई थी। और ये यूनिवर्सिटी पलवल जिले के दुधोला गांव में खोलने की घोषणा की गई है। पलवल जिले के दुधोला गांव में। और यह है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी और इसकी घोषणा की गई थी 10 अप्रैल 2016 को। अगली योजना है राष्ट्रीय गोबरधन योजना। तो ये जो राष्ट्रीय गोबरधन योजना है ये 30 अप्रैल 2018 को लागू की गई है। और यह एक नई योजना है ये जो 30 अप्रैल 2018 को लागू की गई है। और ये करनाल से लागू की गई है। और जो करनाल में है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो केंद्र है वहाँ से इसको लागू किया गया है राष्ट्रीय गोवर्धन योजना 30 अप्रैल 2018 को। और अगली है हमारी संत गुरु रविदास सहायता योजना। तो ये जो संत गुरु रविदास सहायता योजना है ये 4 फरवरी 2018 को लागू की गई है। और इसमें ना जो छोटे दस्तकार हैं उनको 25,000 रुपये मिलेगा और जो कि बिना ब्याज का, उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, उनको 25,000 का ऋण मिल जाएगा बिना ब्याज का जो छोटे दस्तकार हैं उनको। तो संत गुरु रविदास सहायता योजना 4 फरवरी 2018 को लागू की गई। अगली योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना। और ये भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 को लागू की गई। और इसमें ना जो जो हमारी फसल है उनमें पहले चरण में 4 फसलों को लिया गया है, आलू टमाटर
और प्याज और एक और है फूल गोभी। यह जो हमारी चार फसल है इन फसलों को लिया गया है। इनमें जो मार्केट का रेट है और जो सरकारी रेट है उसके बीच का जो अंतर है उसको हरियाणा सरकार वहन करेगी। हरियाणा सरकार उसके जो बीच का जो अंतर है उसको हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 को लागू की गई। और इसमें कितनी फसल हैं? इसमें चार फसल हैं, आलू, टमाटर, प्याज और फूलगोभी। तो ये चार फसल हैं, इनमें जो गवर्नमेंट का रेट है और जो मार्केट का रेट है उसके बीच के जो अंतर रहता है उसको हरियाणा सरकार वहन करेगी। और अगली योजना है विधुर पेंशन लागू। तो देखो ये जो विधुर पेंशन है ये इसकी घोषणा की गई है 7 मार्च 2018 को। आगामी जो वित्त वर्ष आएगा उसमें ना इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसमें जो भी पुरुष हैं उनकी जो पत्नी पत्नी की जो मौत हो जाती है तो उनको मिलेगी ये विधुर पेंशन योजना। और इसमें कंडीशन लगाई गई है कि जो भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं करेगा ये उसके लिए लागू होगी। अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो ये उसको पेंशन नहीं मिलेगी, जो नहीं करता है ये उन्हीं को पेंशन मिलेगी। और ये 7 मार्च 2018 को ये लागू किया गया है। और अगली योजना है हमारी लाडली सुरक्षा भत्ता योजना। तो ये जो लाडली सुरक्षा भत्ता योजना है ये भी 1 जनवरी 2018 को लागू की गई है। और इसमें ना इसमें इसमें जो लड़की होती है उसको जो लाडली पेंशन योजना है इसमें 1 जनवरी से प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे सुरक्षा भत्ता योजना के नाम पर। तो 1 जनवरी 2019 से 2,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह लाडली सुरक्षा भत्ता योजना के तहत। और ये योजना 1 जनवरी 2018 को लागू की गई। अगली योजना है हमारी वाटर सिटी एम वाटर वाटर एटीएम योजना। तो ये जो वाटर एटीएम योजना है ये 9 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी। वाटर एटीएम योजना और एक 9 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी। देखो वाटर एटीएम योजना 9 अप्रैल 2018 को लागू की गई है। और इस योजना के तहत ना जो सभी को स्वच्छ जल मिलने का सभी को स्वच्छ जल मिले ऐसा कुछ वादा किया गया है। तो सभी को स्वच्छ जल मिले इसके लिए वाटर एटीएम योजना की घोषणा की गई है। और ये जो जगह जगह पर पानी के जो एटीएम लगाए गए हैं ताकि स्वच्छ जल मिल सके सभी को। और ये योजना 9 अप्रैल 2018 को लागू की गई। अगली योजना है विधवा पेंशन वृद्ध पेंशन योजना। तो ये जो विधवा पेंशन और वृद्ध पेंशन योजना है ये तो काफ़ी पहले की लागू की गई है, लेकिन इन्होंने 1 जनवरी 2018 से प्रति माह 1,800 रुपये देने की घोषणा की गई थी। और अब 1 जनवरी 2019 से प्रति माह 2,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं जो विधवा हैं और जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन को 1 जनवरी 2019 से उनको बढ़ा दिया गया है, उनको 2,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की योजनाएं, एक बार फिर देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को लागू की गई। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम 4 अगस्त 2015 को लागू की गई। थारी पेंशन थारे पास ये 4 अगस्त 2015 को लागू की गई। स्वाधार गृह योजना ये 18 अक्टूबर 2015 को लागू की गई। और अगली है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, तो ये 10 अप्रैल 2016 को लागू की गई। और ये यूनिवर्सिटी पलवल के दुधोला गांव में खोली जाएगी। और अगली योजना है राष्ट्रीय गोवर्धन योजना, तो ये 30 अप्रैल 2018 को लागू की गई। और ये करनाल से लागू की गई है जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर। अगली योजना है संत गुरु रविदास सहायता योजना, तो ये 4 फरवरी 2018 को लागू की गई। और इसमें जो छोटे काश्तकार हैं उनको 25,000 रुपये मिलेंगे बिना किसी ब्याज के। और अगली योजना है भावांतर भरपाई योजना, तो ये 1 जनवरी 2018 को लागू की गई। और इसमें हमारी चार फसल हैं आलू, टमाटर, प्याज और फूलगोभी। अगली योजना है हमारी विधुर पेंशन, तो ये विधुर पेंशन है ये इसकी घोषणा की गई है 7 मार्च 2018 को।
और ये अगली है लाडली सुरक्षा भत्ता योजना। तो ये 1 जनवरी 2018 को घोषणा की गई है। इसमें लाडली को प्रत्येक माह 2,000 रुपये मिलेंगे। और ये अगली योजना है वाटर एटीएम योजना। तो ये जो वाटर एटीएम योजना है ये 9 अप्रैल 2018 को इसकी घोषणा की गई है। और इसमें सभी को स्वच्छ जल मिले इसके लिए जो वाटर के एटीएम है वो लगाए गए हैं। और अगली योजना है विधवा पेंशन वृद्ध पेंशन। तो ये जो विधवा पेंशन और वृद्ध पेंशन है इसमें इन्होंने पेंशन में बढ़ोतरी की है, जो 1 जनवरी 2019 से प्रत्येक माह 2,000 रुपये मिलेंगे जिनकी पेंशन बनी हुई है उनको। तो देखो कितनी फटाफट से हमने ये जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं थी ये कराई हैं। और ये तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने हरियाणा की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनके बारे में बताया है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से ना एक दो क्वेश्चन जरूरी पेपर में पूछे जाते हैं। देखो अभी 17 तारीख को एक पेपर हुआ था ABRCS का, उसमें ये योजना आई हुई थी 17 तारीख के पेपर में, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब लागू की गई। तो ये 8 मार्च 2015 को लागू की गई थी। तो ये अभी करंट अभी आया था ये पेपर में 17 तारीख को। तो इन योजनाओं में से ना एक क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है, तो इनको याद करना है, इन योजनाओं को छोड़ना नहीं है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।